का महासंग्राम होने वाला है और उससे पहले अभी से सारी सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ की सियासत में जुट गई हैं। अभी कुछ ही दिनों बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साल के अंत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव और उसके बाद आगाज होगा लोकसभा चुनाव का। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस क्या, एसपी क्या, बसपा क्या और क्या बीजेपी, हर कोई अपनी तरीके से जोड़ तोड़ की सियासत करने में लगा हुआ है। बात करूं अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस किसी भी कीमत पर फिर से सत्ता पाने के लिए पूरी तरह बेकरार है और ऐसे में भले ही सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया हो और बेटे राहुल गांधी को कमान सौंप दी हो, लेकिन सोनिया गांधी के जोश अभी भी पहले की तरह ही बरकरार है और उन्हें कसम, या तो कसम खा ली है या तो पूरी तरह से ठान लिया है कि पीएम मोदी को अगले साल सत्ता से बाहर करके रहेंगे। जन आक्रोश रैली का आयोजन हुआ दिल्ली में और वहां पर सोनिया गांधी ने जमकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कई बातों को लेकर उन्होंने गहरे इल्जाम, संगीन इल्जाम पीएम मोदी पर लगाए। उन्होंने सबसे पहले बोला, पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने बदलाव की बात कहते हुए हर तबके को लेकर बड़ी बात कही है और कहा है कि पीएम मोदी के आने से किस तरह से देश में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। सुनिए क्या कहा सोनिया गांधी ने। देश में परिवर्तन की आंधी के आसार पिछले कुछ साल से देश में भयंकर परेशानी का माहौल, समाज का हर तबका बेचैन, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर व्यापारी छोटे कारोबारी हो, चाहे दलित आदिवासी, चाहे पिछड़े और अकलियत हो, सबको भविष्य का भय सता रहा। सुना आपने किस तरह से हल्ला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ, साथ ही बीजेपी के खिलाफ तेवर साफ बयां कर रहे थे कि अभी बीते दिनों ऐसी खबरें थी कि वो बीमार चल रही हैं, लेकिन इस बार उनके तेवर तो पता नहीं मालूम बयां कर रहे थे कि वो बीमार नहीं हैं और साफ सीधी बात है कि वो इस बार पूरी तरह कसम खा चुकी हैं कि अगले साल बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगी और अपने बेटे का वो राज तिलक कराएंगी, यानी कि उनको प्रधानमंत्री पद पर देखेंगी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर देखने की उनकी दिली तमन्ना है। अब देखना होगा कि अगले साल क्या क्या सियासी आंकड़े सामने आते हो, क्या क्या वहां पर और चीजें और परिस्थितियां बदलती हैं। फिलहाल सोनिया गांधी ने इसके आगे पीएम मोदी को बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेरा है और कहा है कि लोगों के, उन्होंने बेरोजगारी के साथ युवाओं को धोखा दिया है, साथ ही किसानों को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने कहा है पीएम मोदी को धोखेबाज करार देते हुए ये बड़ा बयान दिया है। सुनिए जरा। जिन्हें हर साल 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, वे अभी तक, आज तक रोजगार की तलाश में है। वे अब समझ गए हैं कि उनके साथ क्या धोखा किया है मोदी जी ने। ठीक वही धोखा किसानों के साथ भी हुआ, जिन्हें उनकी उपज की लागत से दोगुनी कीमत दिलाने का वादा मोदी ने किया था। अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार की नीतियों ने पूरी तरह चौपट कर दिया। पेट्रोल डीजल के दाम कहां तक पहुंच गए हैं आप सब जानते हैं और उसका नतीजा आप खुद रोज रोज जेल रहे। सुना आपने सोनिया गांधी ने किस तरह आड़े हाथों लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साफ साफ तल्ख लहजे में कहा है कि उन्होंने किस तरह से देश में बदलाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी है और साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश को रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, सारी बातें झूठी हैं, अफवाहें हैं और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को जमकर घेरा और कहा कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, लेकिन आज उन्हीं के कार्यकाल में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं और मोदी सरकार चुप बैठी है। सुनिए क्या कहा सोनिया गांधी ने। मोदी जी का बहुत ही पसंदीदा वादा ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा का क्या हुआ, उनके राज में भ्रष्टाचार की जड़ें और गहरी हुई। सत्ता हथियाने के लिए मोदी जी ने जितने वादे किए थे वे सब खोखले साबित हुए,
झूठे साबित हुए। क्या हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने ऐसा ही देश बनाने के लिए अपना रक्त बहाया था? सुना आपने, सोनिया गांधी के तेवर देखे आपने, किस तरह से हुंकार भरी है उन्होंने जन आक्रोश रैली में। और यही नहीं, वही क्या, यहाँ पर कांग्रेस के कई बड़े आला नेता मौजूद थे, कई राज्यों से बड़े बड़े नेता उन्होंने मौजूदगी दर्ज कराई। और ऐसे में मनमोहन सिंह का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। गुजरात विधानसभा चुनाव का जिक्र करूंगी, पिछले साल जब गुजरात विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर कहा कि झूठा आरोप लगाते हैं, झूठे हैं पीएम मोदी, वो गलत सलत बयानबाजी करके जनता को भ्रमित करने का वो काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से गुजरात में उन्होंने आरोप इल्जाम लगाए थे इंदिरा गांधी की सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर, उसके बाद मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया था और जमकर बयानबाजी की थी उनके खिलाफ, फिर से गरजे हैं जन आक्रोश रैली में मनमोहन सिंह वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ। और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है उन्होंने कि किस तरह से देश के हालात बदल गए हैं, और उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि राहुल गांधी का साथ दीजिए और मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकिए। और साथ ही उन्होंने कहा है मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है, ऐसे में सबक सिखाइए आप लोग मिलकर। सुनिए क्या कहा है मनमोहन सिंह ने। हर तरफ से कर्ज को माफ करने की आवाजें उठ रही है। तो भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठे होकर देश की हालत को बदलने में राहुल जी का साथ दें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाई। कुछ दोस्त चार साल पहले मोदी सरकार ने ये वादे किए थे कि वो सरकार में आते वक्त मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध करेंगे। हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। हकीकत तो ये है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सोनिया गांधी को सुना आपने, मनमोहन सिंह को भी सुना, किस तरह से पीएम मोदी को जमकर निशाने पर लिया है। अब बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी के तेवर आपको गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत अच्छे से याद होंगे, किस तरीके से उन्होंने आड़े हाथों लिया था पीएम मोदी को और ताबड़तोड़ सवाल किए थे, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे लगातार भाषण हो या संबोधन हो या रैलियां हो, हर जगह पीएम मोदी से कई मसलों को लेकर सवाल पूछे थे। लेकिन पीएम मोदी खामोश रहे, एक भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। भले ही पीएम मोदी ने उनके एक भी सवाल का जवाब ना दिया हो, लेकिन राहुल गांधी लगातार सवाल पूछते रहे पीएम मोदी से। और जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं वो लगातार पीएम मोदी को घेरते हैं, कई मसलों पर वो घेरते हैं। और बात हो जब उनकी जन आक्रोश रैली की तो फिर लिहाजा बनता ही है, लाजमी है कि वो पीएम मोदी को जमकर घेरेंगे। यहाँ पर भी उन्होंने जमकर घेरा है पीएम मोदी को और कहा है कई मुद्दों पर उन्हें, जस्टिस लोया के साथ साथ उन्होंने बेरोजगारी के साथ साथ और भी कुछ चीज़ों को लेकर जमकर घेरा पीएम मोदी को। और कहा अमित शाह के बेटे का भी जिक्र किया है कि कितने रुपये कमाने वाली जो उनकी कंपनी थी अमित शाह के बेटे की, या मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही लाखों करोड़ों कमाने लग गई। इसके अलावा और भी मुद्दों पर जमकर हुंकार भरी है पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने। सुनिए जरा क्या कहा है राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ। मंत्री को मालूम नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट बदलते हैं, कहते हैं दाम सही नहीं था। जब हमने 700 करोड़ में खरीदा, नरेंद्र मोदी जी ने 1500 करोड़ प्रति हवाई जहाज खरीदा, मतलब हवाई जहाज का दाम दुगना कर दिया। सेना कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति मित्र को पैसा दे रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसने 70 साल हवाई जहाज बनाया है एयरफोर्स के लिए, उससे कॉन्ट्रैक्ट छीनते हैं और अपने उद्योगपति मित्र को देते हैं। उद्योगपति मित्र पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, मगर नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अमित शाह का पुत्र 50,000 रुपए को 3 महीनों में
80 करोड़ रुपए में बदल देता है। देश का चौकीदार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। चार सुप्रीम कोर्ट के जज पहली बार जनता के सामने आते हैं। आमतौर से जनता जज के पास न्याय के लिए जाती है। 70 साल में पहली बार हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज हाथ जोड़कर हिंदुस्तान की जनता के सामने आते हैं और कहते हैं, हिंदुस्तान की जनता, हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। मोदी जी चुप। मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सुप्रीम कोर्ट के लोग जस्टिस लोया का नाम लेते हैं, कहते हैं कि कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी चुप। सुना आपने किस तरह से दिल्ली के रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली के दौरान जमकर भड़की सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ, तीनों के सख्त तेवर लहजा जिस तरह से साफ बयां कर रहा है कि अगले साल बहुत सियासी संग्राम मचने वाला है। साल 2014 का चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं था, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प है साल 2019 का महासंग्राम। बहुत सी चीजें निश्चित करेगी देश की जनता, देश की आवाम। क्या पसंद है पीएम मोदी का साथ या फिर नहीं रहेगा इस बार किसी और? क्या पसंद है पीएम मोदी का साथ या फिर इस बार दरकिनार कर दिए जाएंगे पीएम मोदी और उसकी जगह आएगा कोई नया चेहरा? चेहरा तो राहुल गांधी का भी कहा जा रहा है, लेकिन सवाल तो बहुत है, क्या राहुल गांधी आएंगे बनेंगे प्रधानमंत्री? क्या महागठबंधन होगा? बहुत से सवाल है, अनगिनत सवाल है, सबके जहन में सवाल उठ रहे हैं। आम जनता के दिलों में फिलहाल अभी एक ही सवाल है कि पीएम मोदी क्या दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे? लगातार लोग शिकायतें कर रहे हैं पीएम मोदी के कार्यकाल में जैसा हुआ ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं। त्रासदी सी आ गई है पीएम मोदी के कार्यकाल में। कभी नोटबंदी लगा देते हैं, कभी जीएसटी लगा देते हैं, कभी सांप्रदायिक चीजें सामने आती, कभी ये सामने आता, कभी महिलाओं की सुरक्षा। दुनिया भर की बातें अगर जरा आप आम लोगों से जब पूछी जा करके, मैंने लगातार बातें की हैं आम लोगों से, उनका साफ साफ कहना है कि ऐसा तो कांग्रेस ने भी नहीं किया जैसा बीजेपी ने हश्र कर रखा है। हालांकि वो उनकी खिलाफत कर रहे हैं, उनका अपना मत है, लेकिन कुछ लोगों के सपोर्ट में भी हैं, क्योंकि सपोर्टर तो हर जगह होते हैं, विपक्षी भी हर जगह होते हैं। तो ऐसे में फिलहाल पीएम मोदी की आलोचना जमकर रही है। पीएम मोदी ने अभी हाल फिलहाल कहा भी था कि मैं रोज 2 किलो गालियां खाता हूं। उन्होंने खुद कहा था कि मेरी आदत हो गई है ऐसे गालियां खाने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर इल्जामात ही लगाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार ने बहुत कुछ ऐसे भी काम किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आम जनता है उनका साफ साफ ये कहना है, जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनको लगता है कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया और उनको सिर्फ और सिर्फ परेशान किया। नोटबंदी से आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, आम जनता को बहुत परेशानी हुई। जो ऐतिहासिक फैसला पीएम मोदी ने लिया, पीएम मोदी ने कहा कि जनता को परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये उनके लिए सबसे बड़ा एक मैंने स्टेप उठाया है, बहुत बड़ा कदम उठाया है, आगे जाकर बहुत कारगर साबित होगा। उनकी पार्टी के नेता यशवंत सिन्हा ने आड़े हाथों लिया, लेकिन उनके बेटे जयंत सिन्हा ने पीएम मोदी का सपोर्ट किया। यशवंत सिन्हा ने फाइनली भी दोनों पार्टी भी छोड़ दी। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा राम मंदिर पर तो लोग भीख मांगते हैं, आप काम करके अपना वोट बटोरिए, वरना तो राम मंदिर पे लोग भीख मांगते हैं। ये शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट है। तो ऐसे में सोचिए किस तरीके से, राम मंदिर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और ऐसे में सियासी जानकार साफ साफ कह रहे हैं साल 2019 से पहले बीजेपी इस पर बड़ा दाव खेल सकती है। और खुद अगर यहाँ पर मान लीजिए, अगर राम मंदिर को लेकर अगर यहाँ पर बीजेपी के मनसूबे कामयाब हो जाते हैं तो आप बहुसंख्यक देश है, अगर इसमें हिंदू का वोटर बीजेपी के पक्ष में आ गया तो फिर कौन हरा पाएगा बीजेपी को? बहुत मुश्किल होगा बीजेपी को हराना, आप खुद समझिए। क्योंकि यूपी का जिक्र करूंगी, 2017 में यूपी में एक भी अल्पसंख्यक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं दिया बीजेपी ने, और ऐसे में कहा गया था पार्टी हार सकती है, लेकिन क्या हुआ, प्रचंड बहुमत मिला और योगी सरकार, योगी सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता पर काबिज हुए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आप खुद सोचिए किस तरीके से यहां पर अगर राम मंदिर को लेकर बड़ा दाव खेल गई बीजेपी तो जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियों के लिए भी हरा पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने हुंकार भरी है रामलीला मैदान से जन आक्रोश रैली में पीएम मोदी के खिलाफ, देखना होगा बीजेपी क्या पलटवार करती है, क्या देते हैं पीएम मोदी जवाब, क्योंकि उनका कटाक्ष भी कम नहीं होता है कांग्रेस के खिलाफ। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल होंगे फिर से आपसे मुखातिब, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।